वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। आज ही आपकी जो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जेके बॉपी के अंडर जो है आपकी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आउट हुई है, जिसके बाद जो है मैंने लिस्ट की एक वीडियो अपलोड करी है और लिस्ट जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। बट उसके देखने के बाद जो है काफ़ी सारे कमेंट्स, यही क्वेश्चंस थे मोस्टली कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सिलेक्शन किस तरह से होती है, सिलेक्शन में क्या होगा, हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, उसके बाद जो है कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ जाता है, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो हम जो आपके ये सारे क्वेश्चंस थे उन सब को ही इस वीडियो में कवर करेंगे अपनी। सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ी स्ट्रक्चर की, देन प्राइवेट कॉलेजेस हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो क्या उनके पास कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कैटेगरी वाइज हर कॉलेज के पास कितनी सीट हैं और ओवरऑल सीट्स में से कैटेगरी को कितनी सीट्स मिलने वाली हैं, ठीक है। देन हम बात करेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस का, किस तरह से आपको सीट्स अलॉट होती हैं, ठीक है। तो काउंसलिंग की डेट्स जो हैं वो अभी अलग से एक नोटिफिकेशन आउट करेगा जेके बोपी, जिसके अंडर की आपकी काउंसलिंग होने जा रही है। कितने नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट हैं जिन्होंने पोस्ट बेसिक बीएससी के लिए अप्लाई किया है इस बार 2022 के लिए, जिसमें कि आपके जनरल कैटेगरी के कितने कैंडिडेट्स हैं, आपके एसटी कैटेगरी के लिए कितने हैं, ओएससी यानी कि आपके अदर सोशल कॉस्ट के लिए कितने हैं, एएलसी आरबी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितने कैंडिडेट जो हैं जिन्होंने अप्लाई करा है। तो सभी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका फ़ी स्ट्रक्चर से। सबसे पहले जो है आपके पास 5 कॉलेज देखने को मिलेंगे आपको, 5 कॉलेज हैं आपके पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए जम्मू एंड कश्मीर में। सबसे पहले है राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग चक बलवाल जम्मू में है, ठीक है। देन आपका है बीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग चक बलवाल जम्मू, देन है आपका स्टेफिन कॉलेज ऑफ नर्सिंग मीरा साहब जम्मू, देन बीबी हलीमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी श्रीनगर, श्रीनगर में आपको एक ही कॉलेज में देखने को मिलेगा। और अदर जो 3 कॉलेज हैं हमारे पास वो आपको देखने को मिलेंगे, अदर 4 कॉलेज जो हैं वो आपको जम्मू में देखने को मिलेंगे। एक कॉलेज है दत्ता रनपत देव कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये आपको कठुआ में देखने को मिलेगा। अगर हम फ़ी स्ट्रक्चर की बात कर लें, आपका फ़ी स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर कोई भी नहीं है जो आपको पोस्ट बेसिक बीएससी करवाएगा, 4 कॉलेज हैं, इनके अंदर ही आपको सीट्स अलॉट होनी है। 75,000 पर ईयर के हिसाब से आपका फ़ी स्ट्रक्चर रहता है, यानी कि आपकी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2 ईयर्स की होती है तो आपका जो है 150 आपको पे करना पड़ेगा 2 सालों का, 75,000 फर्स्ट ईयर का आपको पे करना है और 75,000 सेकेंड ईयर का पे करना है, ठीक है। ये थी आपका फ़ी स्ट्रक्चर और आपके पास कॉलेजेस। ये आपका जो है ई वाउचर है आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, ये वहाँ से लिया गया है, ये मैंने वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इनकी पीडीएफ बनाई है, ये खुद से प्रिंटेड नहीं है। आप अगर खुद से चेक करना चाहते हैं तो जेके बोपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, ई वाउचर सेलेक्ट करें, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग सेशन चेक करें 2022, देन ई वाउचर डाउनलोड करें, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन ये मिल जाएगी। यहाँ पर समझना चाहते हैं तो आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। देन हम बात कर लें आपकी नेक्स्ट, आपके इंस्टीट्यूशन विद कोर्स एंड टेंटेटिव इनटेक ऑफ सीट्स, ठीक है, कितने नंबर ऑफ़ सीट्स हैं और आपके पास कॉलेजेस कौन से हैं। आपको मैंने बताया आपके पास प्राइवेट कॉलेज कोई भी नहीं है, आपके पास पांचों के पांच जो हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेज कोई भी नहीं है, आपके पांचों के पांच जो हैं प्राइवेट कॉलेज रहेंगे। सबसे पहले राजीव गांधी ऑफ कॉलेज एंड नर्सिंग चक बलवाल जो है ये आपका 80 सीट्स हैं इसमें इनटेक करने के लिए, बीएन कॉलेज में भी 80 सीट्स हैं, स्टेफन कॉलेज में भी 80, देन आपका दत्ता रनपत कॉलेज है जो कठुआ में, इसकी आपकी 70 सीट्स रहेंगी, और बीबी हलीमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी श्रीनगर, इसके पास आपकी 40 सीट्स रहेंगी। ओवरऑल जो आपके पास सीट्स हैं वो देखने को मिलेंगी आपको 350 फॉर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2022 कोर्स, ठीक है। देन अब कॉलेज वाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी रिजर्वेशन किस तरह से रहती है, कैटेगरी वाइज कितने परसेंट रिजर्वेशन मिलती है। सबसे पहले देख लीजिए आप, ये है आपकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 8%, देन शेड्यूल ट्राइब के लिए 10%, देन जो है आपका अदर सोशल कास्ट के लिए है 4%, ALC एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल IB इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए आपके पास है 4%, रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया RBA के लिए 10%, देन पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए 4%, देन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है आपकी 10%, ठीक है। और आपके पास जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है उनके लिए आपके पास है यहाँ पर 4%। ये थी आपकी रिजर्वेशंस, ठीक है, आपको फ़ी स्ट्रक्चर पता लग गया, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस पता लग गए, सीट्स पता लग गई, उसके बाद है आपकी रिजर्वेशन पता चल गई आपको। देन हम बात करते हैं आपकी कि कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स हैं आपके लिए। अच्छा, इसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस कितनी अप्लाई हुई हैं, ये मैंने आपकी आज की प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट की जो है लास्ट वाले पेज का स्क्रीनशॉट लेकर रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका टोटल टेम्परेरी रैंक नंबर है, यहाँ पर लास्ट 1106 जो हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म इस बार फिलअप हुए हैं, कितनी पोस्टों के लिए,
350 पोस्ट के लिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ जो आपकी सीट्स हैं वो हैं 350, और एप्लीकेशंस कितनी लगी हैं 1106, ठीक है। इसमें आपके अलग अलग कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स हैं, आगे चले चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आपका कितने नंबर ऑफ़ आपकी सीट्स हैं टोटल। टोटल हैं आपकी नंबर ऑफ़ सीट्स 350, ठीक है। 350 आउट ऑफ इस सेक्शन को आप छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस तरफ हम, देखें ST के लिए अगर 8% है रिजर्वेशन, तो 350 से 8% अगर बोला जाए, माना जाए, तो आपकी 28 सीटें आती हैं। 10% में अगर आके आती हैं 35 सीट्स ST के लिए। सोशल कास्ट के लिए आउट ऑफ 350 14 सीट्स हैं। ALC IB के लिए आउट ऑफ 350 14 सीट्स हैं। RBA के लिए 35 सीट्स, EWS के लिए 35 सीट्स, PSP के लिए और फिजिकल चैलेंज पर्सन के लिए जो है आपकी 14 सीट्स अवेलेबल हैं आउट ऑफ 350 में से। देन ये था आपका ओवरऑल 350 में से आपको टोटल कितनी सीट्स मिलने वाली हैं ST SC सोशल कास्ट परसेंटेज के हिसाब से। देन हम बात कर लें आपकी, अगर जिस कॉलेज में आपकी 80 सीट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो आपके 80 सीट्स वाले कॉलेज हैं आपका राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, BN कॉलेज ऑफ नर्सिंग, स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इनके पास जो है आपकी 80 जो है इनटेक है सीट्स का। तो 80 में से अगर आप बात कर लें, तो 80 में से अगर देखा जाए तो आपकी राजीव गांधी कॉलेज में आपकी 6 सीट्स जो हैं वो रिज़र्व रहेंगी SC की। इसी तरह से स्टीफन कॉलेज में भी 6 सीट्स SC की रहेंगी, स्टीफन में भी SC की रहें 6 सीट्स SC की रहेंगी, और BN में भी 6 सीट्स SC के लिए रहेंगी। इसी तरह से 8 सीट्स रहेंगी ST के लिए, 3 सीट रहेंगी सोशल कास्ट के लिए, ALC के लिए 3 सीट, RBA के लिए 8, EWS के लिए 8, PSP और फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए 3 सीट रहेंगी आपकी आउट ऑफ 80। अगर कोई राजीव गांधी कॉलेज में लेना चाहता है तो उसको जो है SC की आपको वहाँ पर 6 सीटें देखने को मिलेंगी। BN में लेना चाहता है तब भी आपको 6 सीटें देखने को मिलेंगी। मैं इस तरह से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि आउट ऑफ 80 में से आपको कितने परसेंट सीट्स हैं जो आपको मिल सकती हैं बाय कैटेगरी वाइज। जो अदर सीट्स बचती हैं इनमें से वो आपकी ओपन मेरिट के लिए बचती हैं। देन हम बात कर लें आउट ऑफ 70 में से कितनी सीट्स मिलेंगी। आउट ऑफ 70 यानी कि जो आपका दाता रनपत कॉलेज है कठुआ में, उसके लिए आपके पास सीट्स हैं SC के लिए 5 सीट, ST के लिए 7। इसी तरह से अगर 80% में 6 मिल रही हैं तो 70 में 5 मिलेंगी, 80 में 8 मिल रही हैं, तो यहाँ पर अगर 70 सीट्स हैं तो आपको 7 सीटें देखने को मिलेंगी। सोशल कास्ट ALC RBA EWS के लिए आपको 2, 2, 7 और 7, 10% के लिए जो है वो 7, और जो है आपका 4% के लिए आपको 2 सीटें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर बात करते हैं हम 40 सीट्स हैं जिस कॉलेज के पास, वो कौन सा कॉलेज है आपका, बीबी हेलेमी टेक्नोलॉजी कॉलेज जो है आपका श्रीनगर में, उसमें आपके पास जो है SC के लिए 3 सीटें रहेंगी, ST के लिए 4, सोशल कास्ट के लिए 1। ये सिर्फ 350 में से परसेंटेज निकाली है, और आउट ऑफ 70 सीट्स, आउट ऑफ 80 सीट्स में से ये परसेंटेज निकाल के मैंने आपके सामने रखी है कि आपके पास इतनी इतनी सीट्स अवेलेबल हो सकती हैं अगर कैटेगरी वाइज परसेंटेज दी जाती है तो। देन हम बात कर लें आपकी टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस कितनी लगी हैं। आपकी टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस लगी हैं 1106। ओपन मेरिट में हैं जिसमें 689 सीट, OSC की हैं यहाँ पर 30 एप्लीकेशंस लगी हैं। देन ST कैटेगरी के लिए 126 एप्लीकेशंस लगी हैं, ST के लिए भी 112 सीट्स सॉरी एप्लीकेशंस हैं, ALC और AIB के लिए जो है आपके 12 एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिले हैं। देन RBA के लिए 199 एप्लीकेंट हैं, EWS के लिए 15 एप्लीकेंट हैं, ठीक है। तो देख लीजिए आपके पास इतना बड़ा नंबर ऑफ गैप है, सीधा सीधा 350 सीट्स हैं आउट ऑफ जिनमें से 175 सीट्स आपको मिलने वाली हैं ओपन मेरिट के लिए, और 175 सीट्स रहेंगी आपकी जनरल कैटेगरी के लिए। सीधा सीधा डिवाइड हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल हाफ ऑफ। देन अगर यहाँ पर हम एक मोटी मोटी एग्जांपल लगाते हैं, SC के लिए अगर 120 एप्लीकेंट हैं तो आपके पास जो है 126 एप्लीकेंट में से सीट्स कितने को मिलेंगी। फर्स्ट जो टॉप रैंक के 28 SC वाले होंगे कैटेगरी वाले, उनको फर्स्ट 28 को मिलेगी सीट्स, ठीक है, आपके परसेंटेज के हिसाब से। अगर उनमें से कोई बच्चा कैंडिडेट ड्रॉप करता है तो वो सीट आपको शिफ्ट हो जाती है अगर वो नहीं लेना चाहता है तो। इसी तरह से बाकी सभी कैटेगरीज का रहेगा कि अगर ST के लिए यहाँ पर टोटल फॉर्म अप्लाई हैं 112 यानी कि 112 फॉर्म, और ST के लिए आपकी सीट्स बन रही हैं टोटल आउट ऑफ 350 की 35, तो जो फर्स्ट टॉप 35 ST वाले होंगे ये सीट सबसे पहले काउंसलिंग में उन्हीं को मिलने वाली हैं, या फिर जिनकी परसेंटेज ज़्यादा होने वाली है परसेंटेज के हिसाब से उनको मिलने वाली है। अब एक कंडीशन आती है कि अगर आपकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की 70% है, देन दूसरा कैंडिडेट है उसकी भी 70% है,
तो उन दोनों को क्या देखा जाएगा, फिर उसके बाद उनकी देखी जाएगी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में जो कैंडिडेट बड़ा होगा वो सीट उसको मिल जाएगी। अगर डेट ऑफ बर्थ भी दोनों की सेम है देन अल्फ़ाबेटिकली देखा जाएगा कि अल्फ़ाबेट में किसका अल्फ़ाबेट बड़े सीरियल नंबर पर आता है, देन वो सीट उस पर अलॉट हो जाएगी। देन अगर वो भी हो जाता है देन उसके बाद अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम आ जाती है, आपकी अल्फ़ाबेट भी सेम आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो आपका सीट को विदहेल्ड रखा जाता है और दोनों कॉलेजेस के प्रेफरेंस दिए जाते हैं कि आप दोनों को कौन से कॉलेज में जाना है। अगर उन कॉलेजेस में फॉर एग्जांपल किसी को, एक को राजीव गांधी में जाना है, दूसरे को श्रीनगर वाले बीबी हलीमा में जाना है, तो उन दोनों के अगर अलग अलग कॉलेजेस होंगे तो वो दोनों सीटें मिल जाएंगी। अगर दोनों को एक ही कॉलेज में जाना होगा तो वो जेके बोपी जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट करती है। ठीक है, ये थी ओवरऑल आपके पूरा सीट्स किस तरह से अरेंज होती हैं, काउंसलिंग के टाइम में क्या होगा, आपको अपना कॉलेज सेलेक्ट करना होगा, वहाँ पर एप्लीकेंट कितने हैं, आपको काउंसलिंग के लिए सबको जाना है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो काउंसलिंग के लिए नहीं जाते हैं और जो हैं वो सीट्स को ड्रॉप कर देते हैं, हो सकता है वो सीट आपको मिल जाए। ठीक है, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छे से आपके क्वेश्चन सभी हैं जो वो सॉल्व हो चुके होंगे। यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता था आपको, यहाँ पर मैं आपको सीट्स नहीं अलॉट कर रहा कि फर्स्ट जो इतने रैंक हैं उनको ही यहाँ पर सीट्स मिलने वाली हैं। देखें कुछ भी, कोई भी कंडीशन हो सकती है, हो सकता है किसी की परसेंटेज कम हो, किसी की ज़्यादा हो, तो फर्स्ट ये ज़रूरी नहीं है जो आपके फर्स्ट 60 रैंक वाले हैं या फर्स्ट 70 रैंक वाले हैं या फर्स्ट 350 रैंक वाले हैं सीटें उन्हीं को अलॉट हो जाएंगी ना। कई बार काउंसलिंग ड्रॉप कर देते हैं, कैंडिडेट्स नहीं भी जाते हैं, काफ़ी सारी कंडीशंस हो जाती हैं, इसलिए आपको काउंसलिंग सबको अटेंड करनी है जब तक काउंसलिंग चलेगी या फिर जिन जिन की काउंसलिंग की डेट्स आएंगी। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, अगर इसके बावजूद भी आपका क्वेश्चन कोई रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे, लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचेंगे। थैंक यू सो मच।